बनाएंगे बॉम्बे तवा पुलाव। तवा पुलाव के लिए ये कढ़ाई में डाल लेंगे हम तेल एक चम्मच, तेल को गर्म कर लेंगे। तेल में डालेंगे ये जीरा, जीरा डाल देंगे। और इस जीरा में डालेंगे हम एक पतली कटी हुई प्याज, प्याज डाल देंगे। प्याज के ऊपर हम डालेंगे ये कटी हुई शिमला मिर्च, शिमला मिर्च छोटे साइज में कटी हुई। और इसके ऊपर डालेंगे हम तीन कश्मीरी लाल मिर्च और पांच छह लहसुन पिसा हुआ, ये हमने पीस लिया था। और इसको हम ढक देंगे पांच मिनट के लिए और पांच मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे और इसमें डालेंगे ये उबली हुई मटर आधा कप, उबली हुई मटर और ये पनीर 100 ग्राम पनीर, और इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे हम ये नमक छोटे चम्मच, इसके अंदर डाल लेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम ये धनिया का पत्ता, काफी सारा कटी हुई काफी सारा धनिया का पत्ता। धनिया पत्ता डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम उबली हुई बासमती का चावल, ये चावल इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हल्का सा पकाएंगे ताकि चावल जो है मसाले में मिक्स हो जाए। 2 मिनट बाद ये ढक्कन हटा लेंगे और इसके डालेंगे हम ये आधी चम्मच चाट मसाला, और चाट मसाला को मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला को मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। और ये 2 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे, फ्राई पैन का ढक्कन हटा के इसको हम चला लेंगे एक बार। और ये तैयार है हमारा बॉम्बे तवा पुलाव। इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में,